नमस्कार दोस्तों, यह है सोनी कंपनी का, लोकल सोनी कंपनी का होम थिएटर। तो ये इसका आगे का पैनल है, तो आज इसी के सारे कनेक्शन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, ये है होम थिएटर का बोर्ड। इसमें सबसे पहले लगाएंगे ट्रांसफार्मर के तार डीसी। देखिए, ये बीच वाला ग्राउंड होता है, तो 1, 2, 3 मतलब तीनों नंबर बाय नंबर वायर इसमें लगा देना है। सबसे पहले काले रंग का, उसके बाद में लाल रंग का, जो कि बीच वाला वायर है, जो कि ग्राउंड होता है, तो इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद में लास्ट का वायर काले रंग का। तो ये वायर दोस्तों लग गए हैं। उसके बाद में बेस के स्पीकर के कनेक्शन इसमें करेंगे। देखिए, ये दोनों वायर हैं, इसका एक वायर ग्राउंड में लगेगा। देखिए, जो बीच में ट्रांसफार्मर की लाल वायर है, उसी से स्ट्रेक जुड़ी है एक दोस्तों, ये आईसी से जुड़ी हुई है। तो इसके भी दोस्तों दोनों वायर लगा देते हैं। देखिए, एक लगाएंगे आईसी की पिन में, क्योंकि आईसी की पिन से होती हुई वायर यहाँ तक आई है, एक ग्राउंड में। तो इसके भी वायर लगा लिए हैं। देखिए, यहीं पर लगाने हैं दोनों वायर, जो कि होम थिएटर का बेस का स्पीकर है। उसके बाद में पैनल के कनेक्शन करेंगे। देखिए, पैनल में दो वॉल्यूम लगे हुए, एक 6 पिन का वॉल्यूम, एक 3 पिन का वॉल्यूम। इसमें दो सॉकेट लगे हुए हैं कार्ड में, जिसमें एक 3 वायर का सॉकेट है, एक 2 वायर का सॉकेट है। देखिए, इसकी एक पिन जो ग्राउंड है, ये दोनों ऑडियो की और एक आउटपुट की। तो चलिए, इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। चाहे कोई सा भी वॉल्यूम हो, उसमें 3 वायर ही लगती हैं, एक आउटपुट की और 2 ऑडियो की, एक ग्राउंड की। तो ये दोस्तों जो 3 वायर का सॉकेट लगा हुआ है, इसकी जो बीच वाली पिन होती है, एक ग्राउंड होती है, और ये दोनों आउटपुट की, लेफ्ट राइट की आउटपुट की होती हैं। तो ग्राउंड वाली पिन से जोड़ देंगे। देखिए, ये वाली जो पिन है वॉल्यूम की, ये ग्राउंड होती है, तो बीच वाली पिन इसमें जोड़ देंगे, और जो लेफ्ट राइट की हैं, उसको आउटपुट की पिन में लगाएंगे। देखिए, इसकी दोनों पिनें जॉइंट हैं, दोनों लेफ्ट और राइट की। देखिए, ये ग्राउंड की है, ये भी जॉइंट है, बीच वाली दोनों ऑडियो की और ये आउटपुट की। तो ये ग्राउंड में लगा दिया और ये आउटपुट है। तो आउटपुट की वायर, जो कि 3 पिन का सॉकेट लगा हुआ है, तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों वायर इसी में लगेंगी, आउटपुट में। तो इसी में आउटपुट की वायर लगा देते हैं। देखिए, 3 पिन सॉकेट के तीनों वायर लग गए हैं, बीच वाली ग्राउंड और दोनों आउटपुट के। उसके बाद में 2 पिन का सॉकेट है, उसके कनेक्शन करेंगे। तो इसमें एक वायर होती है 5 वोल्टेज की और एक वायर होती है ग्राउंड की। देखिए, अब इसमें दिखाई पड़ रहा है, ये है 5 वोल्टेज की और दूसरी वायर है ग्राउंड की, छोटी वायर है वो ग्राउंड की है। देखिए, ये छोटी वायर है, तो ये वॉल्यूम के जो ग्राउंड है, इसी में लगेगी। देखिए, ग्राउंड की वायर को लगा लिया है। अब इसमें एक वायर बची हुई है 5 वोल्टेज की, इसमें लगाएंगे, जो कि इसमें LED बल्ब लगा हुआ है, तो उसकी पॉजिटिव वाली पिन में। देखिए, LED बल्ब की एक पिन ग्राउंड में जुड़ी हुई है और एक पिन, देखिए, ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली पिन में इसको लगा देंगे प्लस 5 वोल्टेज की, क्योंकि ये 2 कलर का LED बल्ब है, तो ये 5 वोल्टेज का ही होता है, इसलिए इसको इसमें लगा दिया है। देखिए, उसके बाद में इसके बोर्ड में देखिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805। तो इसकी देखिए ट्रांजिस्टर 7805, इसकी जो बीच वाली पिन ग्राउंड है और ये वाली 12 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज। तो दोनों बार इसमें लगेंगे, एक ग्राउंड की और एक 5 वोल्टेज की। ये दोनों वायर कार्ड की वायर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 वायर लगा लेते हैं, जो कि एक लाल रंग का है, एक नारंगी रंग का। तो नारंगी वाले वायर को लगा देंगे ग्राउंड वाली पिन में ट्रांजिस्टर की,
और जो लाल वायर को लगाएंगे 5 वोल्टेज की पिन में, देखिए ये 5 वोल्टेज की पिन है। अब यही दोनों वायर लगेंगे जो कि कार्ड लगा हुआ है 5 वोल्टेज का, देखिए ये 5 वोल्टेज की लाल वायर और ये ग्राउंड। तो इसको लगाने के, एक तो जो ग्राउंड वॉल्यूम की अर्थिंग में लगा हुआ है जहाँ पर सारे ग्राउंड के वायर लगे हुए हैं, उसी के ऊपर इस ग्राउंड की वायर को लगा देंगे, और दूसरी वायर को जो कि 5 वोल्टेज की वायर है जो कि एक लगी हुई है मल्टी कलर LED में और एक कार्ड की, तो उसी के ऊपर इसको जॉइंट कर देंगे क्योंकि अब इसको 5 वोल्ट की ज़रूरत है, तो इसमें 5 वोल्टेज मिलने लगेगा। 7805 वोल्टेज का ये ट्रांजिस्टर है, तो इसमें 5 वोल्टेज निकल के सीधे कार्ड में जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों कनेक्शन करने हैं दोनों वॉल्यूम के, तो सबसे पहले बेस का वॉल्यूम है उसके कनेक्शन करेंगे। उसमें दोस्तों दो वायर लगेंगे, एक पीले रंग का और एक हरे रंग का वायर लगाया हुआ है, ये देखिए ये बेस का वॉल्यूम है। आगे का पोर्शन दिखाते हैं, देखिए बेस लगा हुआ है, ऊपर वॉल्यूम का है और नीचे बेस का है। तो बेस में जो ऑडियो पिन है, इसमें जो पीली वायर है वो आउटपुट की है, पीली वायर आउटपुट में लगाएंगे, और जो हरी वायर है वो ऑडियो की पिन में लगाएंगे। देखिए ये इसका ऑडियो की पिन है। जो हरे रंग की वायर है उसकी ट्रैक 20-30 IC से निकल कर आई है, और जो पीली वायर है उसकी ट्रैक जो 8 पिन की IC लगी हुई है उससे निकल कर आई है। तो हरी वायर जो कि ऑडियो है, तो ऑडियो की पिन बीच वाली पिन में लगती है, वॉल्यूम की बीच वाली पिन में। तो इसको लगा देते हैं, देखिए बेस के वॉल्यूम में जो बीच वाली पिन है, लगाएंगे हरी वायर को, इस तरह से इसको सोल्ड कर लेना है, और दूसरी जो पीली वायर है उसको आउटपुट वाली पिन में लगा देना है, और इसकी ग्राउंड की वायर पहले से ही लगी हुई है लाल रंग की। अब इसमें वॉल्यूम की दो ऑडियो की वायर ही बची हुई हैं, उसको भी लगा लेते हैं। तो वॉल्यूम में सबसे पहले इसी को सोल्ड कर लेंगे नंबर बाई नंबर, देखिए जो कि वॉल्यूम की एक नीचे की पिन में और एक ऊपर की पिन में ऑडियो की वायर को लगा लिया है। अब ये दोनों ऑडियो की वायर लगेंगे, देखिए नंबर बाई नंबर इसकी ट्रेकें निकल कर बाहर आई हुई, एक नंबर और दो नंबर, तो इसी में इसको लगा देंगे। देखिए एक ये ट्रैक है और एक दूसरी ये ट्रैक है, ये दोनों ऑडियो की वायर हैं, तो इनको लगा दिया है। इसके सारे कनेक्शन हो गए हैं, अब इसमें सिर्फ 3 वायर बचे हुए हैं जो कि स्पीकर के सॉकेट के लिए। देखिए ये है 6 पिन का सॉकेट, सॉकेट में दो दो पिन ज्वाइंट कर लेना है अगर नहीं है तो, अगर पहले से जॉइंट हैं तो कोई बात नहीं। ये 4 जो पिन हैं वो स्पीकर लगाने के लिए होती हैं, और जो 2 पिन हैं वो इनपुट के होती हैं मोबाइल से बजाने के लिए। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक वायर ग्राउंड में लगा देना है, देखिए ये ग्राउंड की पिन गई हुई है, देखिए ये ट्रैक है ग्राउंड के, तो यहाँ पर इसके कनेक्शन करेंगे। वैसे चाहें तो ट्रांसफार्मर के बीच वाली जो वायर होती है वो भी ग्राउंड होती है, उससे भी लगा सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो इस वायर को सोल्ड कर लिया है, उसके बाद में दो वायर और सोल्ड कर लेनी है, एक देखिए पीले कलर की और एक हरे कलर की, जो कि अलग अलग स्पीकर की हैं। तो इसको भी सोल्ड कर लिया है। अब ये तीनों वायर लगेंगे स्पीकर सॉकेट में, देखिए एक है लेफ्ट और एक राइट में, और जो सफ़ेद वायर है वो सबसे पीछे वाली पिन में जो कि ग्राउंड की पिन है उसमें लगाएंगे। तो बारी बारी से तीनों वायर को जॉइंट कर लिया है, हरी और पीली लेफ्ट राइट में और सफ़ेद सबसे पीछे ग्राउंड में, ये चारों स्पीकर के लिए हैं पिन, और जो साइड में 2 पिन हैं वो आउटपुट के लिए है। तो एक वायर जॉइंट करके
इसमें भी लगा देंगे, जैसे कि मोबाइल से बजाना चाहें तो ये दोनों, इनको भी ज्वाइंट कर देंगे और ये लगाएंगे जो कार्ड की आउटपुट होती है उसमें, इस वाली पिन में। तो एक बार और लगा लेते हैं, देखिए इस 3 पिन की सॉकेट के यहाँ वायर लगी हुई है, तो इसको ज्वाइंट करके उसी में ज्वाइंट कर देंगे। तो इसमें लगाएंगे नीले कलर की वायर, देखिए दोनों पिनों को उसी तरह से ज्वाइंट कर देना जिस तरह से पहले स्पीकर की वायर को ज्वाइंट किया था, उसी तरह से इन दोनों पिनों को भी ज्वाइंट कर देना है। तो इन दोनों पिनों को ज्वाइंट कर दिया है, अब इसको लगाएंगे 3 पिन के सॉकेट की लेफ्ट राइट वाली पिन में, जो कि बोलियों में लगी हुई हैं उसी में। तो इस वायर को आउटपुट की पिन में ज्वाइंट कर देते हैं काजा की मदद से। तो इसको भी ज्वाइंट कर लिया है। अब दोस्तों इसके कनेक्शन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तब इसको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको बिजली से कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए बिजली का बोर्ड, तो मेन लीड को बिजली से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसमें लाइट है वो आ गई है, देखिए इसमें हल्की हल्की स्पीकर के आवाज़ ससराने लगी है। अब इसमें स्पीकर लगाते हैं, देखिए स्पीकर चारों पिन में आवाज़ आ रही है, देखिए नंबर बाय नंबर चारों सॉकेट में आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।